नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर जहां पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, वहीं इस मामले पर बॉलीवुड दो धड़ों में बट गया है। कई मशहूर हस्तियों ने CAA को लेकर विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि वे प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ हैं, जबकि कई स्टार्स इस कानून को लागू करने के फैसले में सरकार के साथ हैं। अनुपम खेर ने एक वीडियो मैसेज के साथ ट्विटर पर कहा, मेरे प्यारे भारत के विद्यार्थियों, प्रदर्शन करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन भारत को बचाना तुम्हारा कर्तव्य है। वहीं बॉलीवुड एक्टर परेश रावल ने भी CAA के समर्थन में ट्वीट किया है। उन्होंने PM मोदी की तुलना आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल से की। उनके अनुसार मोदी कभी भी भारत को बिखरने नहीं देंगे। बीजेपी सरकार का खुलकर समर्थन करने वाले फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री और प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने भी CAA का स्वागत किया है। हालांकि फरहान अख्तर, अनुराग कश्यप, हुमा कुरैशी, ऋचा चड्ढा, स्वरा भास्कर, परिणीति चोपड़ा और सुशांत सिंह जैसे स्टार्स ने इस कानून का विरोध किया है। इनमें से कई हस्तियों ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग भी लिया। आपको बता दें कि हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि CAA के विरोध में ट्वीट करना कुछ एक्टर्स को भारी पड़ गया है, जहां फरहान के इस विरोध के बाद उनके खिलाफ हिंदू संगठन ने शिकायत दर्ज कराई है। वहीं कहा ऐसा भी जा रहा है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड की एम्बेसडर पद से हटा दिया गया है। हालांकि बाद में ऐसी खबरें आई कि ये महज सिर्फ अफवाह है। इसके अलावा ये भी खबरें आई थी कि टीवी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को भी CAA का विरोध करने के चलते सावधान इंडिया से बाहर कर दिया गया है। वैसे परेश रावल के ट्वीट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ।